नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देखिए ध्यान से इस वीडियो को। इसमें एक लड़की सी दिख रही, बहुत मासूम सी दिख रही एक महिला है जो पिटते पिटते बची है। अब आपको लग रहा होगा कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण से हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के ये हमेशा एक एक्टिविस्ट की भूमिका में रहती हैं। जी हाँ, ये ग्रीटा थनबर्ग हैं और ग्रीटा थनबर्ग पिटते पिटते बची हैं। और आप समझ लीजिए कि कहाँ, नीदरलैंड के प्रमुख शहर एम्स्टर्डम में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जहाँ इनको मंच पर आमंत्रित किया गया था। और जब मंच पर ये पहुंची तो इनके साथ एक अफगानी महिला भी थी। इनका काम क्या था ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जरा ग्रीटा थनबर्ग को याद कर लीजिए। वैसे आप सबको पता होगा कि ग्रीटा थनबर्ग कौन है, जो मैंने शुरू में बता भी दिया, लेकिन इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये एक गैंग है, लेफ्ट लिबरल गैंग का एक्सट्रीमिज्म जो कह सकते हैं आप, वो इनमें दिखता है। और इस गैंग में दिखने को तो तीन फेस के तौर पर दिखती हैं। एक है रेहाना, दूसरी है ये ग्रीटा थनबर्ग और तीसरी मियां खलीफा। और ये तीनों पूरी दुनिया में कोई भी बड़ा मुद्दा उठता है जिसका सरोकार पूरी दुनिया से होता है या देश से होता है, उससे नीचे का सोशल एक्टिविज्म इनका होता भी नहीं। ये तुरंत मंच पर आती हैं या ट्वीट करती हैं या बयान दे देती हैं और उसके बाद पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी दुनिया का इनके साथ खड़ा हो जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर ये बोलने गई थी, वहां पर इनको विरोध प्रदर्शन में भाग लेना था। ये स्वीडन की हैं और गई थी ये एम्स्टर्डम, वहां पर 70,000 लोगों की भीड़ के साथ इनको संवाद करना था, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इनको बोलना था। अच्छी बात है, बोलना चाहिए क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा सरोकार है। लेकिन ये वहां जैसे ही मंच पर गई, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया फिलिस्तीन पर, और फिलिस्तीन पर नहीं गाजा पर बोलना शुरू कर दिया। अंदाज ये था कि गाजा में जो भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि गाजा में हमास के आतंकी भी मारे जा रहे हैं, निरपराध अबोध बच्चे महिलाएं बूढ़े अगर मारे जा रहे हैं तो ये पूरी दुनिया विरोध कर रही है, जिसमें भारत सबसे आगे है। लेकिन इनका जो विरोध करने का तरीका है कि ये देखिए आप, ये स्कार्फ जो पहनी है वो फिलिस्तीन का स्कार्फ है। अभी आप देख नहीं रहे हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, इनका माइक छीन रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो रैली की जा रही थी उसमें इसको बुलाया गया था। लेकिन ये गाजा पर अपना ज्ञान देने लगी और जब ऐसा इन्होंने किया तो ये व्यक्ति मंच पर आता है और इनसे इनका माइक छीनने लगता है और गलत भाषा में, थोड़ी सी कड़ी भाषा जो एक औपचारिक भाषा नहीं होती, उसमें ये कह रहा है कि आप क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, हम सभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आए हैं और आप फिलिस्तीन गाजा हमास और इसराइल के खिलाफ माहौल बना रही हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि कोई ये यहूदी लॉबी का है, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये व्यक्ति कहाँ का है। लेकिन ग्रीटा थनबर्ग जैसे लोगों का ऐसा होना चाहिए हाल, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका जो तौर तरीका होता है, जिस तरीके से ये मैनेज्ड वे में सोशल एक्टिविज्म को आगे बढ़ाती हैं, इनका इरादा और इनकी नियति साफ पता चल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनके खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं। याद करिए, किसान आंदोलन था इस देश में, किसान भारत का सिरमौर है, वो ताज है। किसानों की समस्या को हर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूं तो मैं भी एक किसान का बेटा हूं। लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से भारत में खेल हुआ और किसानों को आगे करके जिस तरीके से खालिस्तानी फंडर्स, फंड देने वाले और देश, तमाम देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ सरकार को अस्थिर कर रही थी, लोकतंत्र पर चोट कर रही थी, वो सब कुछ आपने देखा है। याद करिए, उसमें एक पॉर्न स्टार जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहती है, वो
मियां खलीफा, उसके साथ ये ग्रेटा थनबर्ग भी बहुत आंदोलन की ही भूमिका में थी, ट्वीट्स कर रही थी, बयान दे रही थी, क्योंकि इनको अभी कुछ भी पता नहीं जिंदगी के कितनी दुर्होताएं और परेशानियां लोगों में आती हैं, ये इनको पता नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर बोल सकती हैं क्योंकि उस तरह का ये मूवमेंट चलाती रही हैं, उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यवहार और विचार में जब ये आती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की समस्या ये जानती हैं और उसका समाधान भी इनको पता है। इसलिए अगर सार्वजनिक, हालांकि किसी के साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती, वो भी महिला के साथ, नहीं होना चाहिए, ना हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इनका जो तौर तरीका है और जिस तरीके से फंडिंग दे करके इनको किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद ये अपना या तो एक्स पर पोस्ट करें, पहले ट्विटर जिसको कहते थे, अब वो एक्स हो गया, या तो ये अपना बयान दे दें या किसी सार्वजनिक सभा में आकर के ढेर सारी बात कर दें, और कभी कभी तो ये रोने भी लगती हैं। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, चाहे वो जिस क्षेत्र के हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र के हो भी, लेकिन इस तरीके का जो इनका अंदाज होता है उसमें फिर इनके साथ यही व्यवहार होता है। हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन ऐसा व्यवहार अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से इनका तौर तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति ने विरोध किया। ये व्यक्ति कोई बहुत दूध का धुला होगा, इसका भी हम समर्थन नहीं करते क्योंकि अभी पता ही नहीं कि किस ग्रुप से, लेकिन मंच पर चढ़कर इसने कहा कि हम आए यहां इसलिए हैं और आप फिलिस्तीन, हमास, इसराइल, इन पर क्यों बोल रही हैं। और ग्रीटा इस पर ज्ञान दे रही थी कि जो क्लाइमेट चेंज पर हम बोलने आए हैं, इसराइल फिलिस्तीनियों के लिए क्या कर रहा है, उससे भी एनवायरमेंट प्रभावित हो रहा है, उससे भी क्लाइमेट का संबंध है। अब आप देखिए, ये बात तो समझ में नहीं आई, कम से कम हमें नहीं आई, आपको आई हो तो पता नहीं, लेकिन इनको 1400 इजरायली मारे गए, इस पर भी इनको नहीं बोलना था। इनको बोलना तो था हिंसा पे या राजनीतिक तौर तरीके पे, या इसराइल और हमास इस तरह संघर्षरत हैं तो किन देशों के कारण हमास को इतनी ताकत मिल गई, क्योंकि ये हमास जैसे संस्थाओं को ये आतंकी भी नहीं मानते, क्योंकि ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं, ये लेफ्ट लिबरल गैंग का इंटरनेशनल फेस है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये है ग्रेटा थनबर्ग और इनकी जो दो साथी हैं, एक रेहाना है और एक मियां खलीफा। कोई भी, दुनिया का कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए और जब उसमें कुछ बढ़िया मसाला डालना हो और लोगों को मूर्ख समझ के उन्हें मूर्ख बनाने, भावुक करने की जब कोई कोशिश होती हो तो एक इंटेलेक्चुअल विंग इनको पूरी तरीके से चार्ज करता है, एक दिशा देता है और उसके बाद ये पूर्व भोपू बन जाते हैं। ये है इनका सच। हालांकि ये महिला, एक महिला है, युवती है, हम इनका सम्मान करते हैं, किसी भी महिला या युवती के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नियति और उद्देश्य को अगर समझा जाए, माफ करिएगा, नियत और उद्देश्य अगर इसको समझा जाए और उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया हो तो आपको बहुत बहुत निरपेक्ष भाव से समझना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। इन जैसे लोगों का जो कि पैसे पर ऑर्गेनाइज तरीके से, मैनेज तरीके से कोई एक क्रिएशन करते हैं और क्या है उसमें मुद्दा बनाते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं, जैसे ये नैरेटिव जब किसान आंदोलन चल रहा था कि भारत में किसानों का दमन कर रही है सरकार, उद्देश्य क्या था? क्योंकि इनके जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी फंडिंग कोई अंतरराष्ट्रीय गैंग ही करता है, उसमें सोरोस जैसे लोग प्रमुख हैं जिनको कहीं का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता। तो ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप स्वयं देख रहे हैं, और इनको फिलिस्तीन की चिंता ज़्यादा थी, और मैं 100% कह सकता हूँ कि फिलिस्तीन और इसराइल की समस्या या वेस्ट एशिया की समस्या है क्या, क्यों ऐसी स्थिति बनती है ग्रेटा को उसका ABCD भी नहीं मालूम होगा, ये दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन बयान इनको देना है क्योंकि जितना लिखा है वही याद करके इनको बोलना है, और जो इनको लिख करके दिया होगा, जो इनको बताया होगा उसको भी पता था कि इनको बुलवा करके इनको एक फेस बना करके एक माहौल बनाया जाए। तो प्रोपेगेंडिस्ट जो एक फॉर्मूला है
वो सब जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो ये फेस है। तो एक बार फिर इस फेस को पहचानिए और देखिए आपके नज़र में या लेफ्ट लिबरल गैंग की नज़र में ये बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हों, लेकिन इनकी हकीकत क्या है ये भारत ने भी देखा है और आप सबको याद होगा, इसलिए हमने किसान आंदोलन का जिक्र किया। आज इसराइल और हमास के कारण इसराइल और फिलिस्तीन दोनों मुश्किलों का सामना करना कर रहे हैं और उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमास का जो सोचने का तरीका है, जो नजरिया है, जो सिद्धांत है, वो आतंकी तौर तरीका है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। लेकिन फिलिस्तीनियों के कॉज को लेकर के भारत का हर नागरिक पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन अगर हमास पर रोक नहीं लगेगी तो क्या निरपराध इजरायली मारे जाएं, इसका हम समर्थन करें? और अगर हम समर्थन नहीं करते तो क्या हम कट्टर हैं? ये अब आप तय करिए। और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग जो पैसे की बदौलत सामाजिक कार्यकर्ता का ताना बाना या चोला ओढ़ करके पूरी दुनिया को अपने एक ट्वीट से या एक वाक्य से हिला देने के कदम खम रखती है, और किसान आंदोलन में आप सबने देखा, भारत के 140 करोड़ के आवाम ने देखा कि इन लोगों ने क्या किया था, और ये पिटते पिटते बची है। और कहीं नहीं, एमस्टर्डम, नीदरलैंड के प्रमुख शहर है एमस्टर्डम, एमस्टर्डम में इनको क्लाइमेट चेंज पर बोलना था, वहां 70,000 लोग इकट्ठा थे, और इसीलिए ये व्यक्ति जब माइक इनसे छीन रहा है तो कह रहा है कि हम तो आए थे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, आप इसमें क्या मुद्दे उठा रही हैं, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। और सच है कि वेस्ट एशिया की ये समस्या एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको बहुत कुछ रंग देने की कोशिश की जाती है लेफ्ट लिबरल गैंग की तरफ से, और जब तक इस नजरिए से देखा जाएगा और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही वर्ग दिखाया जाएगा कि प्रताड़ित है और दूसरा वर्ग उसको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा? हमने भावनाओं में नहीं बल्कि तर्कों के आधार पर वो बात कही है। अगर आप इससे सहमत हैं तो प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।